हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ सीमा और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज मैं जा रही हूँ मार्केट क्योंकि मुझे राखी की शॉपिंग करनी है और थोड़ा बहुत सामान भी लेके आना है घर के लिए। तो मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। कोई चपट के ना ले जाए, यहाँ पर ना डर लगती है नहीं। हाँ, तो चोरी हुआ था सर, किसी का पर्स पागल है या किसका हुआ था? वो तो स्कूल में। अगस्त की तैयारियां से नहीं हो गई, भीड़ देखो। यहाँ पे दोनों भाई बहनों की कुश्ती लड़ रहे हैं। कुश्ती लड़ रहे हो दोनों जने ना? लड़ो लड़ो, डुगू जीत जा, डुगू जीत जा, पिट्टी कर दे, पिट्टी कर भाई दीदी की। अभी रुक जाओ, उसको भी जोश आने दो जरा। वो भी लंगोट में है अभी। अब आ रहा गुस्सा, जोश चढ़ रहा है। हाँ कुश्ती डुगू, कुश्ती दीदी को। रुक जा, मौका दे उसको, जरा मौका दे, जरा मौका दे उसको। पहले एक बार छोड़, मौका तो दे उसको पलटने का। रुक जा, रुक एक सेकंड, उसको पलटने दो ना खुद ही, वो कम है। अब करेगा, इसका मूड नहीं है लड़ने का। डुगो हार गया, दीदी से हार गया, दीवार पे लगी गया, लगी उसको नहीं, उसको दीवार पे लगेगी। अरे डुगू हार गया, डुगू हार गया ना, पटाखे की आवाज। डुगू का गुस्सा आ रहा है, गुस्सा क्या हो रहा है? बस से अब नहीं करना तंग। बस छोड़ दो डुगू। सो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 6 बजने वाले हो रहे हैं, 6:45 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ आईब्रोज करवाने। आईब्रोज काफी ज्यादा आ रही है और कल रक्षाबंधन भी है, तो चलो मैं मायके तो जा नहीं रही हूँ। और मेरा भाई भी नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है वो जा रही है, जो कि आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स में देख रखा है जिसे, तो वो जा रही है मायके, तो वो ही सबकी राखी बांधेगी, हमारी बड़ी दीदी की भी और मेरी भी, सबकी तीनों की वही राखी बांधेगी। तो फिर इस चक्कर में मैं तो जा नहीं रही हूँ क्योंकि मैं अभी गई थी और इतना दूर, पास का लोकल होता तो चली जाती हूँ, उसके लिए तो लोकल ही है और क्या बोलते हैं, वो चली गई है। और हम लोग जो है, मेरी दीदी गांव में रहती है उत्तराखंड में, तो वो भी नहीं आ रही और मैं भी नहीं जा रही हूँ। बाद में जाएंगे सर्दियों में, जब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ जाएंगी तब जाएंगे, तो अभी तो फ़िलहाल मैं जा नहीं रही हूँ। मन तो है, दिल तो है, पर दिल का क्या करें। दिल तो सबको ही जाने का होता है पर जा नहीं सकते ना, तो बाद में जाऊँगी मैं। और मैंने अपनी सिस्टर को बोल दिया कि राखी लेके राखी बांध दियो,
भाई को, तो वही बांधेगी। छोटा है हमसे, सब हम तीनों में सबसे छोटा भाई है मेरा, तो उसको बांधेगी। वो लगता बड़ा है, जो कि आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा भी है, और मेरी सिस्टर को भी आप लोगों ने मेरे पुराने ब्लॉग्स में देख रखा है, तो वो राखी बांध देगी। और अभी मैं जा रही हूँ आईब्रो करवाने, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो और मैं जा रही हूँ अपनी जेठानी के साथ। हाँ, मैंने कल नहीं, संडे को गए थे हम मार्केट। उस दिन से मैंने एक भी ब्लॉग नहीं वो किया है, ब्लॉग नहीं बनाया। हाँ बोलो, अभी थोड़ा बात कर लो, ठीक है? हाँ हाँ, ये ग्लू है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई। एक तो मैं कैंपर लेके आई हूँ, राखी लेके आई हूँ, और ये जो दिख रही है ना घड़ी, अभी आप लोगों को पास से दिखाती हूँ, वो लेके आई हूँ। तो देखिए, और यार ये मुँह पे इतने दाग धब्बे नज़र आते हैं, मतलब छोटे 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 छोटे, ये जो कि फेस पे है भी नहीं, वो होता है ना सूक्ष्मदर्शी, उससे जो दाग धब्बे दिखते हैं, ऐसे मेरे फ़ोन से दाग धब्बे आ जाते हैं मेरे मुँह पे। चलिए फिर दिखाती हूँ आपको वॉच। ये वाली वॉच मैं उस दिन लेके आई हूँ, और कैसी लग रही है जरूर बताना। फोकस, हाँ, तो कैसी लग रही है जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, जो कि आप बताते नहीं हो। इस बार ज़रूर बताना कैसी लग रही है ये वॉच, मेरी पसंद की है। सो गाइस, मैं आ गई हूँ आईब्रो बना के, और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। अभी मैंने छोले उबालने के लिए रखे हैं, 8 बज चुका है, और अब मैं छोले उबालने के लिए रख रही हूँ। ये था वो फिल्टर जो मैं लेके आई हूँ उस दिन, बहुत बड़ा ढक्कन है इसमें, खुल्ला डुल्ला है धोने के लिए, ठीक है? इतना बड़ा हुआ है धोने के लिए, अच्छा है। और इसमें ना ये खुलता नहीं है, इसमें एक कप सा है, 18 लीटर का ये। मैंने क्या चीज दी मार्केट से। गाइस, यहाँ पे डुगू बनवा रहा है मेरे साथ खाना। डुगू पकवाओ, बनवा दो, पक लो ना, काम करना सीख रहे हो। ये मेरे साथ काम करना सीख रहा है। है ना, गणेश के पास गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। चुन चुन चुन, हाय कर दो लड़की। चलो मम्मी के पास छोड़ के आऊँ, बहुत गर्मी हो रही है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ फटाफट फटाफट, सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं इसमें, गरम मसाले भी और प्याज टमाटर भी मिक्सी में मैंने फटाफट बनाने के, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, लाइट नहीं आ रही। अब चलाती लाइट, इसमें कैसा कलर आ रहा है इसका, वैसे कैसा कलर है, वैसे येलो है और इसमें डार्क आ रहा है। तो फटाफट बनाने के चक्कर में मैंने सारा एक साथ ही मिक्सी में पीस लिया है, और इसको भुनने के लिए काफ़ी देर हो गई है भूनते भूनते, और छोले वाले जो हैं वो मैंने इसमें निकाल दिए, और फटाफट कुकर में मैंने चावल डाल दिए हैं, और यहाँ पे मसाले भी तैयार होने वाले हैं लगभग। अब इसमें छोले डाल देंगे थोड़ी देर में, और तैयार हो जाएंगे मेरे छोले एंड राइस। तो गाइस, काफ़ी लंबी वीडियो आ गई है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।